झारखंड में हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। शुरुआत तो हो चुकी 13 तारीख को, लेकिन इस परवान पे जाता नजर आ रहा है यह अभियान। इसे लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। झमाझम बारिश के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कमी नजर नहीं आ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर ओर शान से तिरंगा लहरा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा। भारत माता की वंदे मातरम। राज्य भर में तिरंगा यात्रा की धूम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तस्वीरें देशभक्ति के जज्बे की है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तस्वीरें आजादी के दीवानों को सलामी देने की है। ये तस्वीरें उन शहीदों को श्रद्धांजलि की है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये तस्वीरें राष्ट्र की एकता और अखंडता की है। ये तस्वीरें देश के आन बान और शान की है। ये तस्वीरें तिरंगा यात्रा की है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान झमाझम बारिश भी छात्रों के उत्साह को कम न कर सका। रांची में तेज बारिश हो रही है, फिर भी सेंट जेवियर कॉलेज के विद्यार्थी तिरंगा यात्रा में निकले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सभी सेंट जेवियर कॉलेज के विद्यार्थी हैं और तिरंगा यात्रा निकाल करके ये बताना चाहते हैं कि झंडे का महत्व क्या है। आप देखेंगे काफी संख्या में तिरंगा है और ये तिरंगा यात्रा ये बताता है कि आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। ये देशभक्ति का चिन्ह है और विशेष करके जब जब पूरा देश जश्न मना रहा है, मौसम खराब है कोई माने नहीं रखता है, तो बड़ी संख्या में ना सिर्फ स्टूडेंट बट टीचर भी आए हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, ये दिखाता है देश के प्रति प्यार। और सबों से निवेदन है, झंडा लेकर भारत माता को बचाने का रक्षा कसम खाए। जय हिंद। ये आज बारिश नहीं है, आशीष है, देशभक्ति के ईश्वरीय आशीष है। और हम इससे संकल्पित है कि हमारा देश है, हम सबका देश है, इस देश को हम आगे ले चलेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की भारत माता की। न सिर्फ राजधानी बल्कि राज्य के बाकी हिस्सों में भी शान से तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा को लेकर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गुड्डा के वीर कुंवर चौक पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाई। वंदे मातरम। लोगों का जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, आम जनमानस का जो उत्साह है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सभी घर में तिरंगा लगेगा और लोगों को लगेगा कि 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया था वो व्यर्थ नहीं गया। आज भी हम उनकी कुर्बानी को याद करके आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न हर तरफ है। चतरा के काना चट्टी में स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाला।
152 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रामनगर हाई स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान भारत माता के जयकारों से इलाका गूंज उठा। पलामू में भी हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। न सिर्फ प्रशासन और राजनीतिक दल बल्कि आम जनता भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। मेदिनीनगर की बैरिया चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। विशाल तिरंगे के साथ स्कूली बच्चों ने शहर के कई इलाकों में यात्रा निकाली। दुमका के हंसाडी में संत फ्रांसिस स्कूल के बच्चों ने भी प्रभात फेरी निकाली, जिसमें स्कूल के बच्चों के अलावा शिक्षक और पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लातेहार में बारवाडी के करमडीह में आजादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ के 112 बटालियन ने तिरंगा रैली निकाली। इस मौके पर जवानों ने बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली। बोकारो के चास में डीसी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा के साथ साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें डीडीसी एसडीएम समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं लोहरदगा में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जेएसएलपीएस ने 65,000 तिरंगा झंडे बनाए। वहीं तिरंगे के साथ इस यादगार पल को संजोने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।